नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। दोस्तों वैसे तो डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही पॉपुलर है, उन्हें अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन आज का समय ही ऐसा चल रहा है यार कि अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए हर एक्टर कहीं ना कहीं जाता रहता है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती जब किसी फिल्म में मेन किरदार में आते हैं तभी वो अपनी फिल्म को प्रमोट करते हैं, अदरवाइज से प्रमोट उन्होंने नहीं करते भाई। फिल्मों में किरदार निभाए छोटे मोटे या कोई भी रोल, जो मेन है, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, वो अपना प्रमोशन करे, जो अपना कहीं भी जाना हो जाए, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती नहीं जाते। लेकिन अब ऐसी खबरें ये भी आ रही हैं कि मिथुन चक्रवर्ती भी कपिल शर्मा शो में एक बार फिर से आएंगे। हालांकि वो कॉमेडी नाइट विद कपिल में दो तीन बार देखे जा चुके हैं, कई बार अक्षय कुमार के साथ भी देखे जा चुके हैं, कार्तिक आर्यन के भी साथ देखे जा चुके हैं, तो ऐसे और भी एक दो बार आए हुए हैं, लेकिन कॉमेडी नाइट विद कपिल में। लेकिन जब से कपिल शर्मा शो के नाम से ये शो आया उसके बाद से मिथुन चक्रवर्ती नहीं दिखाई दिए, और अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से कपिल के शो में दिखाई देंगे अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान। और हो सकता है कि प्रमोशन ना करें उनके साथ, अपने बेटे के साथ यानी कि नमासी के साथ उनकी फिल्म के लिए ये प्रमोशन के दौरान इस शो में आ सकते हैं कपिल शर्मा शो में। जी हाँ, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था कि नमासी चक्रवर्ती और आमरीन कुरैशी कपिल शर्मा शो में आएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो ये खबर भी 100% सही है कि मिथुन चक्रवर्ती भी इनके साथ आ सकते हैं। जी हाँ, अब खबर ये भी आ रही है कि मिथुन चक्रवर्ती भी इनके साथ आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मिथुन चक्रवर्ती अकेले ही आएंगे अपनी फिल्म के लिए। ये केवल खबर जो मैं बता रहा हूँ नमासी और मिथुन के साथ वाली, वो एक अंदाजा है, मतलब कि अपने बेटे के फिल्म के प्रमोशन दौरान ये आ सकते हैं, लेकिन कि कपिल शर्मा शो में मिथुन सिंगल आ सकते हैं अपनी फिल्म के लिए। और जहाँ तक बात रही नमासी और आमिर कुरैशी की, तो वो अपनी फिल्म बैड बॉय में तो 100% आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ उनके पिता भी आ जाए, लेकिन सिंगली में तो वो आएंगे अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल को प्रमोट करने के लिए, जो कि 15 अगस्त 2021 को रिलीज की जाएगी। आपकी इस बारे में जो भी राय हो हमें जरूर बताइएगा, साथ ही आपको कितना इंतजार है फिल्म बैड बॉय साथ मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म द कश्मीर फाइल की, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप सब में से कुछ लोगों ने देखा हो कॉमेडी विद नाइट कपिल मिथुन चक्रवर्ती को आए हुए, तो आप ये भी बताइए कि इस शो में अगर नमासी चक्रवर्ती या आमिर कुरैशी और या फिर मिथुन चक्रवर्ती आते हैं तब ये शो कैसा बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी कि मिथुन चक्रवर्ती भी कपिल शर्मा शो के अंदर एक बार फिर से हम सबको दिखाई दे सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में।